हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणेश कोचिंग ऑफ एजुकेशन। मु तापस कुमार आज स्टार्ट करी तुम क्लास केमिस्ट्री। ठीक अच्छे, तो फास्ट आम देखा आम जो क्लास रोज स्पेशली रोज सिटी बीएड पिला। ठीक अच्छे, तो देखा केमिस्ट्री कौन कौन सब सिलेबस अच्छे, कौन आम सिटी पढ़िया, कौन आम बीएड पढ़िया। ठीक अच्छे, तो सिटी सिलेबस अनुसार तुम फास्ट क्लास रही डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सेकंड टॉपिक अच्छी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो बीडी केमिस्ट्री केवल दुटा चैप्टर अच्छी, गोटे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। तो बीडी सिलेबस अनुसार तोर फर्स्ट चैप्टर रहइबो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक रहला डिफरेंट एलिमेंट्स बा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड रहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बीड्र तीन टा टॉपिक रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो प्रथम आम स्टार्ट करिया डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ आम केवल सिटी पिलांक अच्छी, किंतु बीड्र भी बहुत टाइम क्वेश्चन आसू। ठीक अच्छे, तेणु सिटी बीएड सिलेबस अनुसार क्वेश्चन आसे ना, बहुत टाइम तुम देखिथ ये सब चैप्टर क्वेश्चन आसू। ठीक अच्छे, तो ये चैप्टर आम कौन कौन पढ़िया डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी कौन कौन पढ़िया। तो फर्स्ट पढ़िया व्हाट इज मैटर, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ए मैटर को क्लासिफाई कराई टू टाइप्स, गोटे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आ गोटे केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये सब पढ़िया फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। केमिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़िया एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। देखो बीड्र गत वर्ष सॉल्यूशन क्वेश्चन आसाला, मोलालिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, आ रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम आस। ठीक अच्छे, तो बाकी यहाँ है आम फर्स्ट चैप्टर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पढ़िया केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन कौन, फर्स्ट पढ़िया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, सेकंड पढ़िया टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ए टाइप्स ऑफ रिएक्शन आम कौन कौन पढ़िया ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ पढ़िया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सिक्स्थ पढ़िया एंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। बुझेगा, तो यहाँ पढ़िया कौन केमिकल रिएक्शन, ये पढ़िया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हाउ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस, देन पढ़िया टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आम सिटी पिलांर, फिर भी सिटी पिला एक्स्ट्रा एफर्ट देवा पड़ो पीरियडिक टेबुल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियडिक टेबुल। तो पीरियड टेबुल पढ़ो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक को कौन कहा जाए, कौनटा कहा जाए अल्काली मेटल, कौनटा कहा जाए अल्काली अर्थ मेटल, हेलोजन फैमिली, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू शुड बी लर्न इन द पीरियड टेबुल। ठीक अच्छे, सेकेंड आ कौन देखा पड़ो ना डेली लाइफ साइंस, डेली लाइफ साइंस तुम कौन कौन देखा पड़ो ना पॉलीमर देखा पड़ो, सीमेंट देखा पड़ो, ग्लास देखा पड़ो, से सब प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, टाइप्स। ठीक अच्छे,
नेक्स्ट पढ़ो सोप एंड डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर ठीक अच्छे एगुड़ा तुमको एक्स्ट्रा देखा पड़ो। नेक्स्ट पढ़िया बीड पिला बीड पिला कौन कौन आटोमिक स्ट्रक्चर आटम कौन मॉलिक्यूल्स कौन आटोमिक थ्योरी किए देते डाल्टन आटोमिक थ्योरी बोर्स पोस्टुलेट्स रदरफोर्ड मॉडल हाँ ये पुणी पढ़िया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आटम्स दैट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दैट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ता विषय देखिया तार कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पढ़िया तुम क्वांटम थ्योरम प्रिंसिपल एजिमुथल मैग्नेटिक स्पिन एसब विषय ये देखा तापर देखा हुंस रूल पॉलीगन पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से सब आस आटोमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पढ़िया डिफरेंट्स एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन पढ़िया फास्ट पढ़िया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये पढ़ो एस ब्लॉक पी ब्लॉक प्रथम पीरियोडिक टेबुल किए डबल न्यूर तापर न्यूलैंड ऑक्टे तापर मेंडली मोसले हाँ सब पीरियोडिक टेबुल किए सब कौन कौन मेरीट्स डिमेरीट्स थिला से सब विषय पढ़िया आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ रिलेटेड न्यूमेरिकल तुम एग्जाम रे ठीक अच्छे। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कौन एलिमेंट सपोज 35 नंबर ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 35 इट प्रेजेंट्स इन व्हिच पीरियड व्हिच ग्रुप ये सब आइडेंटिफाई करा पड़ो कौन थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पढ़िया एलिमेंट क्लासिफिकेशन जेटा कि आमर पढ़िया मेटल नॉन मेटल एंड मेटालॉइड मेटालॉइड टोटल एलिमेंट के 118 तो 118 एलिमेंट को यदि क्लासिफाई करिया तो सेटा मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड मेटल आमर 92 नॉन मेटल 18 मेटालॉइड अच्छी 8टा हाँ बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमोनी टेलोरियम हाँ ये सब नॉन मेटल ऑल गैसेस हाँ हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टो जेनो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब मेटल जितने सब मेटल विषय पढ़िया अपनी सोडियम मेटल क्वेश्चन पड़े कौ मेटल को तुम्हें पनीर भाया काटिपार सोडियम मेटल व्हिच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एराइजेस इन मेटल सब मेटल आम प्रॉपर्टी तार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िया मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड। नेक्स्ट पढ़िया आर भी केमिकल रिएक्शन तो आर केमिकल रिएक्शन इक्विवेलेंट केमिकल रिएक्शन आउ इक्वेशन ये मुझे इक्वेशन तुमको शिखेदेवि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्चुअली केमिकल रिएक्शन टाक इक्वेशन फॉर्म लिखा जाए किमी लिखा जाए से सब विषय में बतेवि आठ तुमको एक्स्ट्रा देखा पड़ो बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बॉन्डिंग आउ डेली लाइफ साइंस एटा नॉर्मल तंकर भी तुमर भी किंतु तुम सिलेबस देना क्वेश्चन किंतु आसुची ठीक अच्छे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्लास मुझे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज समस्ते बुझिपार ये हूँ तुम ओवरऑल सिलेबस ऑफ द सिटी और बीड एग्जाम ठीक अच्छे। तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज फर्स्ट पढ़िया कौन मैटर एंड इट्स स्टेट पे भिडटा मूल शेष जाए देख वीडियो को लाइक आ सब्सक्राइब करो जो आम जो जो क्लास अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जीव आप जापर ठीक अच्छे। तो पढ़िया मैटर एंड इट्स स्टेट्स तो फर्स्ट पॉइंट लिखो व्हाट इज मैटर मैटर कौन ना मैटर एटा गोटे मुझे मैटर कह कहीं जार कि गोटे डेफिनेट सेप साइज वॉल्यूम किसी स्पेस अकुपाय कर रखिले किसी स्पेस अकुपाय कर कौन कह मैटर कह ठीक अच्छे। तो मैटर डेफिनेशन है मैटर इज ए सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट शेप साइज वॉल्यूम मास एंड ऑक्युपाय सम स्पेस एंड ऑक्युपाय सम स्पेस तो ताको कौन कहा जाए मैटर कहा जाए बुझे अगेन वी कैन से दैट मैटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स
atoms and molecules. So atom is the structural and functional of a structural and functional unit of a particle. So particle smallest unit you can call it atoms, which cannot be seen in naked eye. Very smallest particle, tiny particle. Bujhuchi. ताकु पुनी क्लासिफाई आकु पुनी ब्रेकडाउन कला परे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स नि बाहर है आ किछि नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स जेमति पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो ए सब बाहरियो ठीक अछि. तो मैटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. देन हेडिंग करो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. एबे मु कोन कलि मैटर को क्लासिफिकेशन करबि. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो मैटर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. वन इज फिजिकल मैटर एंड अनदर इज केमिकल मैटर. फिजिकल मैटर मीन्स जोटा को आम खाली आखिरे देखिपार. केमिकल मैटर मीन्स गोटे कि दुईटा सब्सटेन्स मिसिकी जो न्यू सब्सटेन्सटा फॉर्मेशन हुए कौन कह जाए केमिकल मैटर कह जाए. तो फिजिकल मैटर इज इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल एटा होची इरिवर्सिबल ठीक अच्छे. एथिरे नो न्यू सब्सटेन्स इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन. देर इज नो न्यू सब्सटेन्स इज फॉर्म. नो न्यू सब्सटेन्स इज फॉर्म. नो न्यू सब्सटेन्स इज फॉर्म. हियर स्टेट्स ओनली चेंज मैंने सॉलिडटा लिक्विड हो पार लिक्विडटा पुणी सॉलिड हो. ओनली चेंज्ड इन स्टेट. चेंज इन स्टेट. अच्छा केमिकल मैटर मीन्स यार एग्जांपल देखा धर आइस. आइस को मु हीट कली कौन है आपको हीट दली. हीट दला ये कौन हम वाटर हम. तो आइस को हीट कली कौन कली मेल्टिंग कला वाटर है पुणे वाटर को मु कूल डाउन करी कौन कली फ्रीजिंग कली. फ्रीजिंग कली से कौन पुणी फॉर्मेशन है आइस फॉर्मेशन. तार केवल स्टेट चेंज हो किंतु कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो ना. तो इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस. केमिकल मैटर इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस. इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस. सपोज ए गोटे सब्सटेंस बी गोटे सब्सटेंस कंबाइन है कौन देवे ए बी गोटे न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन आईटारूटा को पुणी आसीपर ना. दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. सॉरी सॉरी भूल जाइए. इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस. इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस मैंने एटा तो निज अवस्था को आसी पार्छ किंतु एटिरे निज अवस्था को आसी पारु नाही ठीक अच्छे. जमी आर कौन हम टेम्परेचर चेंज हम कलर चेंज हम डिफरेन्ट प्रॉपर्टीज इज चेंजेस इन केमिकल मैटर. सम प्रॉपर्टीज चेंजेस इन केमिकल मैटर लाइक टेम्परेचर कलर गैस रिलीज करिवो. तो ये सब मैटर कौन कह जाए केमिकल मैटर. आर एग्जांपल कौन हम बर्निंग ऑफ पेपर. बर्निंग ऑफ पेपर फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट. फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट डाइजेस्टिव सिस्टम मिल्क टू कोड. तो दिज आर द केमिकल मैटर. बुझेगा ना ना यहाँ कौन हम रिवर्सिबल निज अवस्था को आसीपर. इट इज इरिवर्सिबल ये निज अवस्था को आसीपर ना. एथेरे नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. एथेरे कौन हो सम प्रॉपर्टीज चेंज. दैट इज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. बुझेगा. तो दिस इज द फिजिकल मैटर एंड दिस इज द केमिकल मैटर. एबे देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल मैटर. बर्तमान मु फिजिकल मैटर को क्लासिफाई कली
तो फिजिकल मैटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फाइव टाइप्स. वन इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मेथड. दिस इज द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट. क्वेश्चन पढ़े द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट. द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मेथड. तापर देखिया आर प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैस रो कौन कौन सब प्रॉपर्टी हो चुनी. तो एबे देखिबा हाउ टू क्लासिफाई केमिकल मैटर. केमिकल मैटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज प्योर एंड प्योर मैटर एंड अनदर इज इम्प्योर मैटर. इम्प्योर मैटर तो प्योर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वन एलिमेंट, ताको कौन कह प्योर. ये कौन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ताको कौन कह इम्प्योर मैटर. प्योर मैटर्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज एलिमेंट एंड अनदर इज कंपाउंड. एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट वाला इट कंटेन वन काइंड ऑफ एलिमेंट. इट कंटेन वन काइंड ऑफ एलिमेंट. किमती आयरन, ताको एति गोटे भी आयरन, एतटे भी आयरन. तो गोटे है कौन वन काइंड ऑफ एलिमेंट, ता कौन कहा वन काइंड ऑफ आटम लिख दियो. वन काइंड ऑफ आटम ता कौन कह एलिमेंट. कंपाउंड से ला टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस. एते कौन होला टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड प्रोपोर्शन. फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड. बुझेगा जमी वाटर H2O ये हाइड्रोजन कत अच्छे दुटा ये सब मॉलिक्यूलर मास को नहीं कैलकुलेट करा. तो हाइड्रोजन वाला टू, ऑक्सीजन वाला कैसे 16, तो 1:8 रेसीयो रहा. सीमित लगे CO2 कार्बन आटम मास कैसे 12, ऑक्सीजन वाला 16, तो ये 2 अच्छे 32, 3:8 रेसीयो. मैंने फिक्स्ड रेसीयो रे कौन कह कंपाउंड कह बुझेगा. तो अगेन एलिमेंट सेमती सोडियम, पोटासीयम, फेरोस, कोबाल्ट, ये सब कौन है एलिमेंट. अगेन एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड टेबल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 118. नंबर ऑफ एलिमेंट कत 100. ता भितर नेचुरल एलिमेंट है 98. बाकी रहा जितक सेटा कौन आर्टिफिशियल एलिमेंट. अच्छा एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. वन इज मेटल, सेकंड वाला मेटलोइड, थर्ड वाला नॉन मेटल. मेटल, मेटलोइड, नॉन मेटल. मेटल मीन्स मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड. सो मेटल अच्छे हमर 92, मेटलोइड 8, ये है 18, नॉन मेटल है 18. तो मेटल गुड़ा साधारणतः सॉलिड स्टेट रहा था, नॉन मेटल गुड़ा साधारणतः गैसियस फॉर्म था. ऑल मेटल आर इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मर्कुरी, सेटा मर्कुरी, सीजियम, गैलियम, एमाने रूम टेम्परेचर रे रही पारंती, लिक्विड स्टेट रहा था. नॉन मेटल गुड़ा सब गुड़ा साधारणतः कौन फॉर्म था, गैसियस फॉर्म था एक्सेप्ट डायमंड, फॉस्फोरस. ओके आ मेटलॉइड मीन्स हैविंग बोथ मेटल एंड नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स, नाइदर गुड कंडक्टर नॉर बैड कंडक्टर, ता कौन कह मेटलॉइड. ठीक अच्छे तो जो आम गोटे टॉपिक अच्छे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तो से आम आर डिटेल्स पढ़ा. ठीक अच्छे नेक्स्ट अगेन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अनदर इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ताको कौन कह ऑर्गेनिक. जमी ग्लूकोज C6H12O6 ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये ऑर्गेनिक भितर तुम पढ़ अल्केन, अल्किन, अल्काइन,
बुझेगा ना तो सब अच्छे फंक्शनल ग्रुप सब पड़ो ये कौन कौन पड़ो आल्केन आल्किन आल्काइन एटा कार्बन कार्बन सिंगल बंड हेले आल्केन कार्बन कार्बन डबल बंड हेले आल्किन कार्बन कार्बन ट्रिपल बंड हेले आल्काइन सीएन एच टू एन प्लस टू एट सीएन एच टू एन एट सीएन एच टू एन माइनस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब पढ़ तुम्हें नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिना आउ जो सब ऑर्गेनिक रहा आउ जो सब एलिमेंट रहा से सब कौन कह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बुझी अच्छा एबे आसीबा हाउ टू क्लासिफाई इम्प्योर मैटर इम्प्योर मैटर इज ऑल्सो नोन एज मिक्सचर इम्प्योर मीन्स ये कौन होगा टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन नॉट इन फिक्स्ड रेशियो इट इज कंपाउंड कौन रहा फिक्स्ड रेशियो रोते ये नॉट इन फिक्स्ड रेशियो नॉट इन फिक्स्ड रेशियो ओके ताको कौन कह मिक्सचर जमी एयर सोयल सीमेंट बुझे ये सब कौन मिक्सचर ए मिक्सचर अगेन क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स वन इज होमोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर अनदर इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस हेट्रोजेनियस बुझेगा तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैटर फर्स्ट क्लासिफाई कर फिजिकल मैटर अनदर इज केमिकल मैटर फिजिकल मैटर क्लासिफाइड इन टू फाइव पार्ट्स सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन एंड केमिकल मैटर आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स वन इज प्योर मैटर एंड अनदर इज इम्प्योर मैटर तो प्योर मैटर इज अगेन क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स वन इज एलिमेंट एंड अनदर इज कंपाउंड एलिमेंट है मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ आटम तो कौन कहो एलिमेंट बा इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ ए मैटर तो जमी सोडियम पोटासीयम फेरस कोबाल्ट निकेल जहाँ सब रहा जितने मेटाल रहा कतटा मेटाल अच्छे आम 92 कतटा मेटालॉइड अच्छी 8टा कतटा नॉन मेटाल अच्छे 18टा तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड टेबल अनुसार आम एतिक मेटाल मेटालॉइड नॉन मेटाल यू रही सिमिलरली कंपाउंड कंपाउंड होला जो फिक्स्ड रेशियो रोइबो जमी वाटर हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन केते रेशियो रहछो 1:8 रेशियो सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 रेशियो रही तो ये कंपाउंड पुणी क्लासीफाई कली टू टाइप्स वन इज ऑर्गेनिक एंड अनदर इज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ये ऑर्गेनिक अगेन क्लासीफाई कराई थ्री टाइप्स गोटे आल्केन आल्किन आल्काइन कीटन आल्डिहाइड ये सब अच्छी बेसिक तुम तीन टाइम आल्केन आल्किन आल्काइन आउ बाकी जितिय रहा से सब कौन इनऑर्गेनिक कंपाउंड नेक्स्ट देखिए इम्प्योर मैटर में कौन कौन रहा मिक्सचर इम्प्योर मैटर इज ऑल्सो नोन एज मिक्सचर तो ये देखिए ये मिक्सचर को क्लासीफाई कराई टू टाइप्स वन इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड अनदर इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर ओके तो नेक्स्ट पढ़ा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस